नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइडियल गेमर्स की एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप GTA 5 में वुल्वरीन मोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही कमाल की ये मोड है। और जहां तक आपको पता होगा वुल्वरीन की पावर्स के बारे में, तो वुल्वरीन के पास बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जिनसे वह कभी नहीं मर सकता है। तो मैं इसके पावर्स के बारे में बता दूँ, तो वुल्वरीन का जो सबसे पहला पावर है, ब्लेड वाला पावर है, जो उसके हाथ से जो ब्लेड निकलता है, यह सबसे औसम पावर है वुल्वरीन की। और दूसरा कि यह कभी मर नहीं सकता है, इसके जख्म बहुत ही जल्दी भर जाएंगे, चोट लगते ही जख्म भर जाते हैं, ना ही इसके ऊपर किसी गोली का असर होता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं आइडियल गेमर्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपके पीसी में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी है। तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आप जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको OpenIV चाहिए। OpenIV के बाद आपको स्क्रिप्ट हुक भी .NET, NativeUI और एड ऑन पेट्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस, तीसरा हमारा वुल्वरीन मोड। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैं आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी स्टेप मैं मिस नहीं करूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत गाइस। तो सबसे पहले हम अपना OpenIV इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं जितना चीज़ भी डाउनलोड करूंगा उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, OpenIV के बगल में जो लिंक होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड के ऊपर, आपकी OpenIV डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस, मेरी OpenIV डाउनलोड हो चुकी है। तो अब मैं इसे ओपन करके मैं इसे सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो गाइस, आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। गाइस, OpenIV की इंस्टॉलेशन मैंने हर वीडियो में बताई है, तो मैं अभी जल्दी जल्दी OpenIV को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो गाइस, कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ इंग्लिश पे सेलेक्ट रखने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और हाँ गाइस, OpenIV आप जब भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो अपने इंटरनेट की कनेक्शन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैंने अपनी वाईफाई को ऑन कर लिया है। बिना इंटरनेट कनेक्शन को ऑन किए आप OpenIV को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, यह सबसे पहला स्टेप है। तो मैं OpenIV को इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको यहाँ क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ 19 MB की फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। तो गाइस, हमारी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है 19 MB की, और यह इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे क्लोज कर दें। तो गाइस, हमारी OpenIV इंस्टॉल हो चुकी है। अब गाइस, आपको क्या करना है, अपनी OpenIV को ओपन करना है। तो मेरा डेस्कटॉप पे ही आइकन आ चुका है, तो मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको गाइस यहाँ पर GTA 5 के पास एक विंडोज़ लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह बोलेगा कि आप अपनी GTA 5 की लोकेशन दे दीजिए, मतलब जहाँ पे आपका GTA 5 इंस्टॉल है। तो मैं अपने GTA 5 को जे ड्राइव में मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं उससे अपनी लोकेशन दे देता हूँ। अगर आप सही चूज़ करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का सक्सेस आ जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू करने के बाद दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर कुछ सर्च कर रहा है, और बस थोड़ी देर बाद आपका OpenIV ओपन हो जाएगा। तो गाइस, OpenIV ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर। इसके बाद आपको जाना है ASI मैनेजर के ऊपर। ASI मैनेजर पे जाने के बाद आपको इन सभी चीज़ों को इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, मेरा पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो आप यहाँ सबको इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप जब सबको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका मोड का फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, इस स्क्रिप्ट का भी फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा सब पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब गाइस, हमारा OpenIV इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइस, स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। अब आपको डाउनलोड करना है स्क्रिप्ट हुक भी .NET, NativeUI, एड ऑन पेट्स, इन सबको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है GTA 5 में। लेकिन गाइस, आपको इतना झंझट करने का कोई ज़रूरत नहीं है सबको बारी बारी से डाउनलोड करके, क्योंकि गाइस मैंने पहले ही एक फ़ाइल बना के रखी है बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाली। यह 2 MB की फ़ाइल है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्क्रिप्ट हुक भी .NET, NativeUI, एड ऑन पेट्स, यह सब कुछ इसके अंदर है। आपको एक ही जगह बार बार सबको अलग अलग जगह जाके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। इसका लिंक भी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। इसके अंदर सब कुछ है, स्क्रिप्ट हुक भी .NET सब कुछ है। तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको भी गाइस यहाँ पर क्लिक करना है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 MB की फ़ाइल है। तो गाइस, हमारी यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद गाइस, आपको और एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, वुल्वरीन मोड, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मोड है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह 10 MB की फ़ाइल है। तो गाइस, इसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है गाइस। तो गाइस,
इन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यह देखिए गाइस हमारी ओपन आईवी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स और वुल्वरीन मोड, यह तीनों फाइल आ चुकी है। तो गाइस ओपन आईवी को तो हमने पहले इंस्टॉल कर लिया है, अब गाइस क्या करना है, यह जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसका क्या यूज़ है आप ध्यान से समझ लीजिए। तो गाइस सबसे पहले आपकी जो ओपन आईवी जो इंस्टॉल हो चुकी है उसमें आप जाइए और इसके एडिट मोड को ओपन कर दीजिए। तो एडिट मोड पे क्लिक करके मैं यहाँ यस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है टूल्स में, इसके बाद आपको जाना है पैकेज इंस्टॉलर, इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर गाइस आपकी जो फाइल डाउनलोड है बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाली आप वहाँ पर चले जाएँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी है, मतलब यही वाली फाइल आप यहाँ पर चूज़ कर लें और इसे ओपन कर दें। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे इंस्टॉल कर दे, आप देख सकते हैं गाइस सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा एक ही साथ, स्क्रिप्ट हुक भी, डॉट नेट, एडोन पैड, नेटी वीवाई, ये चारों चीज़ आपका एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा इसके साथ। तो गाइस मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मोड फोल्डर पे क्लिक करना है और कन्फर्म इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। तो अब गाइस आपकी फाइल इंस्टॉल हो रही है। तो अब गाइस हमने चारों चीज़ इंस्टॉल कर ली है, इसके बाद आपको करना क्या है, अब जो हमने वुल्वरीन मोड को डाउनलोड किया था अब मैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू वुल्वरीन मोड। जब गाइस आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस तरह का एक फोल्डर बन जाएगा, इसे आप ओपन करें, इसके अंदर यह जो फाइल देख रहे हैं वुल्वरीन स्क्रिप्ट डॉट ओ वी आई, इसको ओपन आई वी में ओपन करना है। तो गाइस मैं अपनी ओपन आई वी ओपन करता हूँ, इसमें एडिट मोड को गाइस कंपलसरी आपको ऑन रखना है, उसके बाद आपको जाना है टूल्स में, उसके बाद पैकेज इंस्टॉलर में जाना है और उसके बाद आपको अपनी फाइल को फाइंड करनी है जो आपने एक्सट्रैक्ट की थी। तो गाइस मैं यहाँ से उसे अपनी लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी फाइल डाउनलोड है, तो मैंने उसे यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो गाइस वुल्वरीन मोड के अंदर जो वुल्वरीन स्क्रिप्ट है डॉट ओ वी आई, आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे इंस्टॉलेशन मांग रहा, आप यहाँ इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ मोड फोल्डर को चूज़ कर लें और यहाँ कन्फर्म इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर दें। तो अब गाइस हमारी वुल्वरीन मोड भी इंस्टॉल होने लगी है। तो गाइस फाइनली हमारी वुल्वरीन मोड भी इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद आपको करना क्या है ध्यान से समझ जाइए, इसके बाद आपको अपनी ओपन आईवी के अंदर ही रहना है और उसमें आपको जाना है मोड्स फोल्डर में। मोड्स फोल्डर में जाने के बाद आपको जाना है अपडेट में, अपडेट के बाद X64 के अंदर आपको जाना है, X64 के बाद DLC पैक्स में जाना है, DLC पैक्स के बाद एड ऑन पेट्स में जाना है, एड ऑन पेट के बाद आपको DLC.RPF इस फोल्डर के अंदर जाना है और इसके बाद pets.RPF इसके अंदर जाना है। तो अब गाइस अब आप इसके अंदर चल चुके हैं pet.RPF। इसके बाद गाइस जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी वुल्वरीन मोड्स वाली, उसके अंदर एक फोल्डर भी है पेड वाला, तो आप इस पेड वाले फोल्डर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद गाइस मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, पेड वाले फोल्डर के अंदर आपको ये चार चीज़ें मिल जाएगी, इन चारों को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है pet.RPF में। तो गाइस इन चारों को मैं खींच के इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। तो गाइस यह देखिए चारों फाइल आ चुकी है। तो अब गाइस हमारा लगभग सारा काम हो चुका है, अब गाइस एक लास्ट काम बचा हुआ है, तो अब मैं सबको क्लोज कर देता हूं। इसके बाद गाइस आपको अपने GTA 5 की डायरेक्टरी को ओपन करना है, आपका जहां भी GTA 5 इंस्टॉल होगा उसे आप ओपन कीजिए। तो गाइस देखिए उसके अंदर एक फोल्डर होगा एड ऑन पेट्स का, जो हमने इंस्टॉल किया था बेसिक रिक्वायरमेंट्स में, स्क्रिप्ट हुक भी, स्क्रिप्ट हुक डॉट नेट, जो उन सबको हमने इंस्टॉल किया था लाइन से, तो वो सभी यहाँ पे इंस्टॉल है। तो उसी में एक एड ऑन पेट्स का फोल्डर भी इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे जो एड ऑन पेट्स एडिटर है आपको इसे ओपन करना है। गाइस एड ऑन पेट्स को ओपन करने के लिए आपको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे गाइस देख सकते हैं एड ऑन पेट्स हमारा ओपन हो चुका है। तो अब गाइस इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको यहाँ क्लिक करना है पेट्स में, पेट्स में जाने के बाद आपको न्यू पेट्स में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है वुल्वरीन। गाइस स्पेलिंग बिल्कुल सही से टाइप करना है। गाइस मैंने पहले से ही पेट्स बना के रखी हुई है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर से बना रहा हूँ। तो गाइस वुल्वरीन टाइप करने के बाद आपको यहाँ पेट टाइप में जाना है और यहाँ मेल सेलेक्ट करना है, मेल के बाद आपको यहाँ फॉल्स को चूज़ करना है, उसके बाद ऐड पेट के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ रीबिल्ड करना है। रीबिल्ड आपको ज़रूर करना है गाइस, रीबिल्ड आप नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, तो हमने रीबिल्ड कर दिया है। तो गाइस अब हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, अब सब कुछ क्लोज करके अब हम गेम को ओपन करते हैं। तो मैंने अपनी GTA 5 को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस हमारी GTA 5 ओपन हो चुकी है। GTA 5 जब ओपन हो जाएगी आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है L को। आप जैसे ही L को प्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे एड ऑन पेट्स पे एंटर कर दीजिए और इसके नीचे आप जाइए, देखिए वुल्वरीन। गाइस मैंने पहले से ही बहुत सारे मोड्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं इसलिए मेरा ऐसा आ रहा है,
आपके में शायद सिर्फ उल्वरीन का आएगा। मेरा देखिए उल्वरीन का दो आ रहा, आपके में एक आएगा, क्योंकि मैंने एक पहले से ही किया था और एक समझाने के लिए आपको किया था। तो गाइस आपको यहाँ उल्वरीन पे लाके एंटर को प्रेस कर देना है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारा देख सकते हैं गाइस माइकल उल्वरीन बन चुका है। आप बैक स्पेस दबाकर बाहर आ जाएं तो अब गाइस आप देख सकते हैं यह उल्वरीन बन चुका है। अब गाइस अब इसके पावर्स को कैसे यूज़ करना है अब सीख लीजिए। आपको अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक को प्रेस करना है। आप कैप्स लॉक जैसे ही प्रेस करेंगे देख सकते हैं गाइस इसका पंजा निकल चुका है। अब चलिए गाइस दिखाता हूँ आपको इसके पावर्स। यह देखिए गाइस आप मारिए, और गाइस इसकी एक पावर से यह जंप भी कर सकता है। स्पेस दबाएंगे तो यह ऊंचा जंप करेगा। इसके अलावा गाइस अगर आप गाड़ियों को तोड़ेंगे तो यह बहुत ही स्पीड में गाड़ियों को तोड़ेगा। गाइस इसके ऊपर गोलियों का असर, कुछ भी गोलियों का असर नहीं होगा क्योंकि यह वुल्वरीन है। इसे कभी चोट नहीं लग सकती, ना ही यह कभी मर सकता है गाइस, क्योंकि यह वुल्वरीन है। गाइस वुल्वरीन को कभी कुछ नहीं हो सकता है। गाइस इसके पावर्स कमाल के हैं, और सबसे अच्छा पावर्स ये है कि इसके ऊपर कोई गोलियों का असर नहीं होता है। वुल्वरीन की यही पावर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है गाइस। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।